हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जो चीता इंडिया में वापस आ रहा है फिर से। ठीक है, आज़ादी के बाद जो विलुप्त हो गया था फिर से मध्य प्रदेश के पालतू कुनों में लाया जा रहा है, तो उसी के बारे में हम डिटेल से आज जानेंगे। जो हमारा मुख्य जो टॉपिक रहेंगे उसमें हम देखेंगे कि चीता आखिर भारत में क्यों लाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे भारत में चीता पुनर्स्थापना क्यों किया जा रहा है, फिर चीता का भारत में इतिहास क्या रहा है, उसके बाद देखेंगे कि कब तक पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा भारत में, जैसे बाकी जानवर हैं जैसे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया। ठीक है, इसी तरह चीता को इस तरह से प्रजनन करने में, स्थापित होने में कितना समय लगेगा, पालपुर कुनू के जंगल को ही क्यों सेलेक्ट किया गया है चीता प्रोजेक्ट के लिए, चीता के बारे में जानेंगे कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, साथ में देखेंगे कि तेंदुआ और चीता में कहा जा रहा है कि पालपुर कुनू में इनमें आपस में संघर्ष होने की संभावना है क्योंकि वहां तेंदुआ की संख्या ज्यादा है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही तेंदुआ और चीता में क्या अंतर है उसको भी देखेंगे। चीता पुनर्स्थापना के लिए कुनो राष्ट्रीय उद्यान में क्या तैयारियां की गई हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही जो वाहन लेने गया है, किस तरह से लाया जा रहा है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जब पालपुर कुनो चीते आ जाएंगे कल, तो फिर आने के बाद क्या प्रक्रिया है, क्या होगा वहां पे, उसके बाद देखेंगे चीता पुनर्स्थापना के प्रभाव क्या पड़ेंगे। इन सारे मुद्दों पे हम आज एक एक करके बात करेंगे ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए चीता के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में चीता पुनर्स्थापना क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ऐसा नहीं कि भारत में चीता नहीं था, भारत में चीता था। ठीक है, लेकिन आजादी के कुछ समय बाद ये विलुप्त हो गया। तो जब ये विलुप्त हो गया 1952 के आसपास, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम एक बहुत बायोडायवर्सिटी वाले देश हैं, यहाँ पे पर्याप्त जीव जंतु हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जितनी भी बिग कैट हैं वो यहाँ पाई जाती हैं, चाहे वो टाइगर हो, तेंदुआ हो, राइनो, राइनो भी देखो यहाँ पे मिलता है, एशियाई शेर भी मिलते हैं, हाथी भी कंजर्वेशन भारत में होता है। तो जब इतने सारे यहाँ पे जानवर मिलते हैं, तो जो एक हमारा विलुप्त हो गया है उसको हम वापस क्यों ना लाएं। ठीक है, यानी कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की परंपरा है उसको बनाए रखने के उद्देश्य से इसको वापस लाएं, क्योंकि यह एक प्रमुख मांसाहारी है जो हमारे यहाँ से विलुप्त हुआ था। तो विलुप्त होने के बाद इसको पुनर्स्थापना करके हम एक पूरी दुनिया को एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार से किसी प्रजाति को किसी देश से खत्म होने के बाद वापस उसको फिर से उसके हैबिटेट में लाया जा सकता है। तो इसीलिए भारत में ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और हम इसको पुनर्स्थापना करने वाले हैं। यदि भारत में इतिहास की बात करें, तो भारत में चीतों का हजारों वर्ष पुराना इतिहास माना जाता है, और चीते शब्द की उत्पत्ति भी संस्कृत से हुई है, जिसका अर्थ होता है चितकबरा। चित्रा का शब्द संस्कृत का है, उसकी मीनिंग होती है चितकबरा, यानी जो धब्बे धब्बे वाले होते हैं उनको अपन चितकबरा बोलते हैं। यदि हम बहुत पहले बात करें, तो गांधी सागर अभयारण्य के चतुर्भुज नाला वाला जो एरिया है वहां पे, और रायसेन एरिया के खरवाई रायसेन एरिया में भी इसके कुछ शैल चित्र पाए गए हैं। इससे मतलब ये समझ में आया कि नहीं, भारत में चीता थे। इसके अलावा यदि हम हालिया की बात करें, तो 1948 में रामानुज प्रताप सिंह देव, जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान कोरिया के राजा थे उस समय, इनके द्वारा भारत में अंतिम शिकार किया गया था। इससे भी क्लियर होता है कि भारत में चीता रहा है। अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों ने और भारत के राजाओं द्वारा अत्यधिक शिकार, अंग्रेजों ने भी खूब शिकार किया, भारत के राजा महाराजाओं ने भी खूब शिकार किया, तो ये विलुप्त हो गया। और इसके बाद यदि हम आधिकारिक रूप से बात करें, तो 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इसके विलुप्त होने की घोषणा कर दी थी। तो इस इतिहास से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भारत में चीता पुनर्स्थापना क्यों जरूरी है, और भारत में चीता रहा है और वो विलुप्त हुआ है, तो हम उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर भारत में पुनर्स्थापना, अब पुनर्स्थापना की जो प्रक्रिया शुरू हुई, तो सबसे पहले क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ आए, उन्होंने भारत में क्या किया, भारत में बैठक हुई 1909 में। उसके बाद 2010 में भारत का जो वन्य जीव संस्थान है, और भारत के जो प्रमुख क्षेत्र जो समझ में आते हैं कि जहाँ चीता रह सकता है, लगभग 10 क्षेत्र हैं, से उन क्षेत्रों का क्या किया, सर्वे किया गया। सर्वे करने के बाद जो इस समझ में आया कि सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति कूनो अभयारण्य में रहेगी, वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान इसको बना दिया गया है जो श्योपुर में है,
तो यहाँ का जो 10 क्षेत्रों का प्रमुख क्षेत्रों का सर्वे किया गया, उनमें कूनो के जंगल को बेहतर माना गया। चीतों की पुनर्स्थापना के बाद स्थापना के लिए 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको रोक लगा दी। क्यों? सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि इसकी पुनर्स्थापना के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, जो तैयारियां चाहिए होती हैं, जो अध्ययन चाहिए होता है, अभी पर्याप्त नहीं है। इसलिए 2013 में सर्वोच्च न्यायालय में चीता प्रोजेक्ट पे रोक लगा दी। लेकिन फिर से 28 जनवरी 2020 को न्यायालय, माननीय न्यायालय द्वारा क्या अनुमति दे दी गई। अनुमति देने के बाद 3 सदस्यीय विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। ठीक है, उसी जो दल गठन हुआ उसी की देखरेख में अब वो चीजें आगे आई हुई हैं। तो पूरी तरह स्थापित होने में कितना समय लगेगा? अभी जो कल आएंगे, ठीक है, पालपुर कुनू में छोड़ा जाएगा, तो क्या कल से ही इसको स्थापना? नहीं, अभी इसको स्थापना नहीं बोलेंगे, अभी आएंगे। स्थापना का मतलब है यदि इस तरह से वो यहाँ पे रहने लगे, जैसे यहाँ पे लेपर्ड रहता है, ठीक है, टाइगर रहता है, लायन रहता है, यहाँ रहें, यहाँ प्रजनन करें, प्रजनन करने के बाद अपनी संख्या को बढ़ाएं, और यदि पर्याप्त तो संख्या होती है तो देश के अन्य स्थानों में जहाँ पे अभी संभावना है कि चीता सर्वाइव कर सकता है, उन स्थानों में भी ले जाया जाएगा, तो वो पूरी तरह स्थापना। तो इस तरह के माहौल अभी बनने में लगभग 5 से 10 वर्ष लग जाएगा। ठीक है, अब भारत में सफल होने के लिए क्यों इतना समय लगेगा? क्योंकि अभी जो आएगा यहाँ की जलवायु स्थिति से परिचित होगा, यहाँ के जो माहौल है, वातावरण है, पर्यावरण है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके अनुसार ढलेगा। ढलने के बाद फिर यहाँ प्रजनन होगी, प्रजनन के बाद आबादी बढ़ेगी। जब आबादी बढ़ने लगे, क्यों, अभी तो जो चीते आ रहे हैं वो विदेश से आ रहे हैं, अब आने के बाद जब वो स्थापित होंगे तो अपनी खुद जनसंख्या यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो ये पूरा तरीका है। तो जब यहाँ पे आएंगे, जैसे कल 17 तारीख है, 17 सितंबर को यहाँ पे आ जाएंगे, तब क्या होगा, आने के बाद उनको 30 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। छोटे बाड़े बनाए गए हैं, 30 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन रखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही 30 दिन कंप्लीट होगा, उनको छोटे बाड़े से बड़े बाड़ों में ले जाया जाएगा। बड़े बाड़ों में ले जाया जाएगा, वहां का एरिया ज्यादा होगा, उनको घूमने का मिलेगा, वो खुद शिकार करेंगे, उनकी गतिविधियां चलने फिरने घूमने शिकार करने की, सारे व्यवहार को, जो उनका सामाजिक व्यवहार होता है, उनको सबको ऑब्जर्व किया जाएगा। यदि लगेगा कि अब वो नॉर्मल हो गए हैं, 2-4 माह में नॉर्मल होने के बाद, 4-5 माह जो भी उनको समय लगेगा, उनकी गतिविधियां ऑब्जर्व करने के बाद उनको जंगल में छोड़ा जाएगा। यानी कि पहले 30 दिन छोटे बाड़े में, 30 दिन के बाद बड़े बाड़े में, बड़े बाड़े में जब उनकी गतिविधियां जंगल में छोड़ने लायक हो जाएंगी, उनका व्यवहार, उनका शिकार करने का तरीका, वो ढल जाएंगे, उसके बाद उनको जंगल में छोड़ा जाएगा। तो ये पूरी स्थापित करने की ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब यदि आपसे पूछा जाए कि आखिर जो सर्वे किए गए हैं उन क्षेत्रों में कूनो पालपुर के जंगल को ही क्यों चुना गया है, जो 10 क्षेत्र भारत में सर्वे किए गए टीम के द्वारा, उनमें से इसी जंगल को बेहतर क्यों पाया, इसकी भी एक वजह है। इसलिए क्योंकि जब सर्वे के बाद यहाँ देखा गया कि यहाँ जो जंगल है वो बहुत बड़ा एरिया है, आसपास कोई ऐसे गांव भी नहीं है। ठीक है, इसके जो सर्वे किया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया, साथ में नामीबिया के वैज्ञानिक थे, साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिक थे, इन्होंने, इन सब की टीम ने मिलके ही यहाँ पे देखा, और देखने के बाद जो चीजें पाई कि पालपुर कूनो का जो जंगल है, जो जंगल है वो अनुकूलन, उनकी अनुकूलनशीलता जो एक चीते के लिए चाहिए होती है, हैबिटेट जो चाहिए होता है, वो यहाँ पे बेहतर है। क्यों? क्योंकि जो कूनो की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, यहाँ के जो ग्रास लैंड है वो बहुत विस्तार है, इनके रहने के लिए, इनके खाने के लिए पर्याप्त चीजें मिलेंगी। यहाँ की जो जलवायु है, जलवायु में कौन सी चीजें शामिल होती हैं, तापमान, वर्षा, वनस्पति, ये जो सारी चीजें हैं, यहाँ का जो प्रे है यानी जिस चीज को वो खाते हैं, जो शिकार है वो, ये सारी चीजें नबीबिया और अफ्रीका से मिलती जुलती हैं। यानी कि जो पालपुर कूनो की जलवायु है वह नबीबिया और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की जलवायु से मिलती है। इससे क्या होगा, वहां से लाके यहाँ छोड़ा जाएगा तो उनको ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, इसलिए उनको सर्वाइव करना यहाँ पे आसान हो जाएगा। जिस तापमान में वहां रह रहे थे वही तापमान मिल जाएगा, जैसे वहां घास के मैदान थे इसी तरह यहाँ घास, क्योंकि ये घास के मैदान में रहने का आदि होता है, जंगल में नहीं रहता, और जबकि तेंदुआ क्या होता है, जंगल में रहने का आदि होता है, घनी झाड़ियों में। ठीक है, तो जैसा माहौल में वहां पे नबीबिया है, वही तापमान, वर्षा, वनस्पति, शिकार, ग्रासलैंड, वो सारी छोटी छोटी पहाड़ियां यहाँ मिलेंगी, तो उनको सर्वाइव करना
आसान हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए यदि आपसे कहा जाए कि ऐसा क्या वजह है कि कोनोपालपुर के जंगल में ही इनको लाया जा रहा है, तो ये सारी वजह आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें कि चीते की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, चीता उसके करेक्टरिस्टिक, थोड़ा सा आप इस डायग्राम को फोटो को देखो, जो चीते होते हैं ना, इनकी आंखों से इस तरह को आपको धारियां मिलेंगी, ठीक है, आपको तेंदुआ में ये चीजें नहीं मिलेंगी, तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है। आप किसी में भी देख लो, ये बच्चों में भी देख लो, ये बच्चे हैं, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी पहचान है। यदि आपको फोटो देख के दूर से ही पहचानना है, तो आंखों में इस तरह की ये आंसू जो बहने के निशान दिख रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी इसकी पहचान है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि यह एक बिग कैट फैमिली का ही हिस्सा है, लेकिन बाकी जैसे बाघ तेंदुआ से हम तुलना करें तो उनसे छोटा होता है। साथ में जब ये छोटे होते हैं तो अपनी माँ के साथ ही घूमते फिरते हैं, बाद में अकेले भी रह सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, चीते यदि किसी बड़े जानवर का शिकार करना होता है तो ये जोड़े में भी, ये दो तीन के ग्रुप में भी घूमते हैं, क्योंकि जो बड़े होते हैं अकेले शिकार कर सकते हैं किनका, छोटों का, लेकिन यदि अपने से बड़े जानवरों को शिकार करना है तो एक ग्रुप में भी रह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम इसके बच्चों की बात करें, तो बच्चों की पीठ में घोड़े की तरह बाल होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये जो बाल है यहाँ से यहाँ तक के बाल देखिए, जैसे घोड़े के ऊपर होते बाल, ऐसे ही बच्चों के बाल होते हैं। इन बालों का फायदा क्या मिलता है बच्चों को, इन बालों का फायदा बच्चों को ये मिलता है कि जो घास के मैदान होते हैं उनमें छिपने के लिए बहुत आसान होते हैं, जब वो छिप जाते हैं तो बड़े जानवर इनका शिकार नहीं कर पाते, तो छोटे जब बच्चे पैदा होंगे उनकी पीठ में बाल होने का फायदा आप समझ गए, घास में छिपने में सहायक। इसके अलावा यदि चीते की बात करें तो इसका वजन औसत 40 से 60 किलोग्राम तक हो सकता है, छोटे से जब बड़े होते हैं तो 40 से 60 किलोग्राम तक इनका वजन। सबसे बड़ी बात जो ये जानी जाता है अपनी स्पीड के लिए, 110 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी होती है, जो सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में टॉप में है, ठीक है। और जो इसकी स्पीड है यही इसकी हंटिंग स्किल होती है, यही इसकी सोशल स्किल होती है, हंटिंग स्किल, इसी स्पीड की वजह से शिकार करने में बेहतर है, ठीक है। तो वजन आपको क्लियर हो गया, इसकी स्पीड हो गई, इस बचपन में कैसा दिखता है, बड़े में कैसा हो जाएगा, एक बार यदि ये खाना खा लेता है तो 2 से 3 दिन के लिए फुर्सत हो जाता है, यानी तेंदुए ने एक बार शिकार, चीते ने एक बार शिकार किया तो 2-3 दिन के लिए फुर्सत हो गया। एक बार में खाता कितना है, 5 से 10 किलो तक एक बार में एक चीता खा सकता है। तो ये चीते की क्या हो गई, आपको विशेषताएं समझ में आ गई होगी। ये आप देख सकते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा दौड़ने, तेज दौड़ने वाला, जीवन काल इसका 12 से 13 वर्ष होता है, वजन 40 से 60 आप मान सकते हैं, 50 से 60 भी मान सकते हैं, ये इसका वजन है, और स्पीड 110 से 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद बात करें कि तेंदुआ और चीते में संघर्ष की संभावना, कहा जा रहा है कि जो पालपुर कुनू है वहां चीतों की संख्या बहुत है, तेंदुओं की संख्या बहुत है, तो कुछ लोगों का मानना है कि जब वहां पे तेंदुआ ज्यादा है तो कहीं ऐसा ना हो चीता और तेंदुए में संघर्ष होने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप चीते की बात करें तो चीते जिन जगहों से आ रहा है, ठीक है, जिन जगहों से चीता लाया जा रहा है वहां पहले से शेर मौजूद है, वहां पे तेंदुआ भी है, चीते भी है, यानी जिन जंगलों से वो आ रहा है वहां पहले से तेंदुओं के साथ ही रहता था, वहां पे शेर भी था, तेंदुआ भी था, चीता भी था, तो उसको आदत है इस तरह से जानवरों के साथ रहने में। तो जो एक ये संभावना है कि तेंदुओं के साथ संघर्ष बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। यदि तेंदुओं के साथ संघर्ष तब बढ़ने की संभावना बढ़ती कि जिन जंगलों से इसको लाया जा रहा था उन जंगलों में यदि तेंदुआ ना होता, ठीक है, लेकिन उन जंगलों में भी तेंदुआ है, यहाँ भी तेंदुआ है, तो उसकी आदत है, कैसे उस संघर्ष को अवॉइड करना है, कैसे अलग रहना है, कैसे दूर रहना है, वो चीजें उसको सारी आती होंगी। यह शेर तेंदुआ दोनों के साथ रहा है और अच्छे से रहा है, इसकी आदत में है, तो इस तरह के वातावरण में उसको अभ्यास है रहने का, तो वो यहाँ भी उसी तरह के वातावरण में रहना सीख जाएगा। यदि अब हम तेंदुआ और चीते में अंतर की बात करें, तो देखिए पहला अंतर जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो आंखों से जो आंसू टाइप के बहते हुए दिख रहा है, चीता की पहचान है, जबकि आपको तेंदुआ में इस तरह का नहीं दिखेगा, ठीक है, एक हो गया। दूसरा, आप साइज की भी बात करो तो देखिए जो चीता होता है उसका वजन 54 किलो और मादा का 43 किलो के आसपास, जबकि तेंदुए का जो वजन है 60 से 70 और जो मादा होती है 30 से 40 किलो वजन होती है। चीते में चेहरे पर बहते हुए आंसू जो मैं आपको फोटो में बताया, ठीक है, जबकि तेंदुओं में ये लाइनें
नहीं दिखती। एक चीज और, तेंदुए आप देखोगे बहुत ज्यादा टाइम पेड़ों में बिताते हैं, जबकि चीते पेड़ों में इतना ज्यादा नहीं, बहुत कम, मतलब तेंदुओं की तुलना में पेड़ों में बहुत कम ही हो जाएंगे। इसके अलावा यदि उनके आवास हैबिटेट की बात करें तो चीते जो हैं घास के खुले मैदानों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन तेंदुए की बात करें तो झाड़ियों में, पेड़ों के बीच में, जो छिपने के लिए जहाँ जंगल हो, पेड़ हो, झाड़ियाँ हो, वैसे स्थान में रहना पसंद करते हैं। चीते के शरीर पे जो काले काले धब्बे दिख रहे हैं वो बिंदी के आकार के होते हैं, जबकि तेंदुए के शरीर में जो ये धब्बे दिख रहे हैं वो फूल की पंखुड़ियों के समान होते हैं। ठीक है, ये देखिए पंखुड़ियों की तरह और ये धब्बा हो गया। ठीक, तो यही अंतर है तेंदुआ और जो सबसे पहला लुक में आपको देखना है कि चेहरे पे देखना है, यदि आंसू बहने के निशान देखे तो चीता और नहीं देखे तो वो तेंदुआ। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर हो गया। अब यदि चीता पुनर्स्थापना की लिए राष्ट्रीय उद्यान जो कूनो है उसमें क्या तैयारियां की गई उनकी बात की जाए तो प्रमुख है कि वहां जो इसके लिए घास के मैदान रहने के लिए चाहिए होते हैं, घास के मैदानों का विकास किया गया है। वहां पे बाहर से भी चीतों के शिकार के लिए शाकाहारी जानवरों को लाया गया है ताकि इनको पर्याप्त प्रेबेस या शिकार इनको खाने के लिए पर्याप्त मिल सके। तो घास के मैदानों का विकास, शिकार के शाकाहारी जीवों को बाहर से भी लाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया, जो अन्य जानवर है उनके लिए, साथ ही चीतों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम वहां पे किए गए हैं। चीता परियोजना के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 750 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सॉफ्ट रिलीज के लिए चयन किया गया, मतलब इतना एरिया है। इसके अलावा भी यदि आप बात करो तो 3000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र शिवपुर और शिवपुरी जिलों में इनके छंद विचरण के लिए उपलब्ध रहेगा, यानी एरिया पर्याप्त। कहने का मतलब यह है एरिया पर्याप्त है, सुरक्षा व्यवस्था, घास के मैदान, उनके शिकार करने के लिए भोजन, इन सब की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब यदि इसके लाए जाने की बात करें तो इसको कैसे लाया जा रहा है। ठीक है, आप पहली तो ये देखिए कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, जंगल से जंगल में लाना एक बहुत बड़ी घटना है जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, दूसरा, चार्टर कार्गो एयर वाहन भेजा गया है इसके लिए। चार्टर वाहन क्यों भेजा गया है? क्योंकि इसमें पर्याप्त व्यवस्थाएं होती हैं, उसी में इंस्पेक्शन की व्यवस्था रहेगी, डॉक्टर रहेंगे, वैज्ञानिक रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, कोई रास्ते में लाने में इमरजेंसी कोई समस्या होती है तो उन सारी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस जो फ्लाइट गई है इसको स्पेशल फ्लैग नंबर 118 दिया गया है। विमान का नाम जम्बो जेट B747 जो नामीबिया की राजधानी पहुंच चुका था कल। ठीक है, यदि हम और इसकी बात करें तो कार्गो भेजने का एक वजह यह भी है कि ये जाएगा और सीधे आके भारत में ही रुकेगा, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का समय है वो कम लगना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नॉन स्टॉप रहेगा, और जो आपको पहले बताया कि इंस्पेक्शन की व्यवस्था रहेगी, डॉक्टर रहेंगे, सारी व्यवस्थाएं उसमें की गई हैं। इसके अलावा जो भी एक जानवर को, जो जीवित जानवर लाने के अंतरराष्ट्रीय जीवित जीवों के ट्रांसपोर्ट के जो मानक हैं उन सभी का लाने में ध्यान रखा गया है, उन सभी के मानकों के अनुसार ही लाया जाएगा इसको। साथ में आपको ये देखना है कि जब इसको लाया जाएगा तो उसके बाद पार्क तक, नेशनल उद्यान तक इसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से ले जाए जाएंगे। ठीक है, अब यदि अब देखें कि आने के बाद क्या होगा, जैसे ही ये कल पहुंचेंगे कहाँ, पालपुर कूनो पहुंचेंगे, फिर क्या होगा, पालपुर कूनो जैसे ही पहुंचेंगे इनको क्वारंटाइन के लिए छोटे बाड़ों में रख दिया जाएगा। क्वारंटाइन रहेंगे कितने दिनों तक रहेंगे, 1 माह, लगभग 30 दिन तक रहेंगे। क्वारंटाइन क्यों रखा जाएगा? क्वारंटाइन रखने का मुख्य वजह सिर्फ इतनी सी है कि ये देखा जाएगा कि इनमें कोई बीमारी तो नहीं है, इनमें कोई इंस्पेक्शन तो नहीं है, वायरल बुखार तो नहीं है, बैक्टीरियल लोड इनमें कितना, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए 1 माह के लिए इनके छोटे बाड़ों में रखा जाएगा, और बहुत नजदीकी से इनको ऑब्जर्व, इनकी हर एक गतिविधि को ऑब्जर्व किया जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इनमें कोई बीमारी हो तो अन्य जानवरों में भी फैल जाए। इन सब चीजों का ऑब्जर्वेशन 1 माह तक छोटे बाड़े के अंदर रखा जाएगा। और एक चीज और, 8 के 8 सब अलग अलग बाड़े में रखे जाएंगे, लेकिन 2 जो ऐसे हैं जो एक साथ रखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 वहां पहले से ही एक समूह में ही रहते हैं, इसलिए इन 2 को एक साथ रखा जाएगा, बाकी जितने भी हैं मादा चीता सब अलग अलग बाड़े में रखी जाएंगी। तो क्वारंटाइन का मतलब समझ में आ गया कि क्वारंटाइन की क्यों जरूरत है। निगरानी कैसे रखी जाएगी इनको 30 दिन तक पहले, बहुत क्लोज निगरानी रहेगी, बाइनोकुलर के द्वारा, कैमरों के द्वारा। ठीक है, और बहुत क्लोज का मतलब है लगातार उनके ऊपर 24 घंटे निगरानी
उनकी हर एक गतिविधि पे रखा जाएगा, और साथ में इनको ग्रीन नेट से ढक दिया जाएगा ताकि इंसानों को ना देखें, इंसानों की आदत इनको ना पड़ जाए, ताकि कहीं जू जैसा माहौल ना इनको हो, तो इंसानों की आदत इनको ना पड़े, इसलिए ग्रीन नेट से इन बाड़ों को ढक दिया जाएगा। तो सबसे पहले छोटे बाड़ों में आपको क्वारंटाइन के लिए इनको 30 दिन के लिए रखना होगा। इसके बाद क्या होगा, फिर 30 दिन के बाद जब सारे ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाएगा तो बड़े इनक्लोजर में इनको रखा जाएगा। अब इनमें जब बड़े इनक्लोजर में 100 हेक्टेयर का लगभग एरिया, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रहेगा, इनमें इनको लगातार जो पेट्रोलिंग होगी, इनको नजर इनके ऊपर रखी जाएगी बायनोकुलर से, कैमरों से, साथ ही इनमें रेडियो कॉलर भी लगाई जाएगी, और इनको एक एक मूवमेंट की जानकारी सैटेलाइट के माध्यम से रखी जाएगी। तो पहले छोटे बाड़े, फिर बड़े बाड़े। अब बड़े बाड़ों में क्या देखा जाएगा, ये घूमते कैसे हैं, शिकार कैसे करते हैं, यहाँ की जलवायु में किस प्रकार से ढले हैं, कैसा चाल ढाल है इनका, इन सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन अब फिर से बड़े बाड़ों में किया जाएगा। साथ में क्या होगा, रेडियो कॉलर जब इनके लगे रहेंगे तो सैटेलाइट से भी इनसे डायरेक्ट नबीबिया से भी इनको देखा जा सकता है। जब बड़े बाड़ों में सारी चीजें हो जाएंगी, 4-5 माह ऑब्जर्वेशन हो जाएगा और लगेगा कि अब ये जंगल में छोड़ने के लिए तैयार हैं, शिकार कर पाएंगे, यहाँ के माहौल में ढल गए हैं, फिर जाके इनको जंगल में छोड़ा जाएगा। जब इनको जंगल में छोड़ा जाएगा तो फिर भी इनके ऊपर नजर रखी जाएगी, कैसे, रेडियो कॉलर के माध्यम से नजर रखी जाएगी, यानी सैटेलाइट के साथ ही हर एक चीते के पीछे एक टीम, डेडिकेटेड टीम रखी जाएगी। उस टीम का काम होगा कि समय समय पर चीतों की गतिविधियों पर नजर रखना, और नजर रखने के साथ साथ उनकी रिपोर्टिंग लगातार करते रहना। यानी जंगल में भी, जब पहले छोटा बाड़ा, फिर बड़ा बाड़ा, उसके बाद जंगल, जंगल में भी छोड़ने के साथ इन पे नजर लगातार रखी जाएगी। और जो इनके ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी सैटेलाइट वीडियो कॉलर लगाई गई है, ठीक है, उनके माध्यम से नबीबिया से भी इनके ऊपर नजर रखी जा सकती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। अब पुनर्स्थापना जो की गई है, इसके प्रभाव क्या होंगे, चीते पुनर्स्थापना के क्या प्रभाव होंगे? तो पहला प्रभाव है कि प्रदेश देश की जैव विविधता में वृद्धि होगी, हमारे देश की जैव विविधता में एक चीज और ऐड हो जाएगी, ठीक है, साथ में खाद्य श्रृंखला में एक स्तर बढ़ जाएगा, यानी एक पोषण स्तर और बीच में आ जाएगा। और हम एक चीज जानते हैं कि यदि पोषण स्तर बढ़ता है तो इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला की जटिलता, ठीक है, यानी जो फूड चेन है उसका नेटवर्क और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी जैव विविधता बढ़ने से खाद्य श्रृंखला में जो नेटवर्क बढ़ता है, पोषण स्तर जो बढ़ता है, उससे पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व और बढ़ जाता है। एक ये बहुत बड़ा पर्यावरणीय फायदा है। साथ में एक ये इतिहास बन जाएगा कि जो 70 वर्षों पहले विलुप्त हो चुका था, हमने इसको फिर से वापस ले आए। साथ में जो आसपास के एरिया होंगे, जैसे सेवपुर, मुरैना, शिवपुरी, इनमें पर्यटन की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय लोगों को इसमें फायदा होगा, ठीक है। तो ये अलग आर्थिक फायदे हैं, तो दोनों तरीके के फायदे होंगे, यदि हम पर्यावरणीय आधार पर बात करें और साथ में हम आर्थिक बात करें, दोनों तरीके के फायदे यहाँ पे होने वाले हैं। तो इस तरह से चीता प्रोजेक्ट इंडिया में आया है, जो एक विलुप्त हो चुका है था, हम फिर से कोशिश करेंगे कि इसको हम पुनर्जीवित कर पाए। तो आज जो हमने सारे टॉपिक देखे, उम्मीद है कि आपने इन सारे टॉपिक को देखा होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से प्रोजेक्ट को किया जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन इससे जो आपके दिमाग में होंगे कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है।